सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है मेरा कि गिरते बाजार में अधिक गुणवत्ता वाले स्टॉक जमा करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस योर टारगेट टू एक्युमुलेट मोर क्वालिटी स्टॉक इन फॉलिंग मार्केट। हाँ दोस्तों, मार्केट गिर रहा है, मनोबल टूटता है, हताश हो जाते हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती है, टेंशन माउंट अप होता है, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि क्यों इस फील्ड में आ गए, क्यों इन्वेस्ट कर दिया। फिलहाल तो मैं एक ही वाक्य इसमें जोड़ रहा हूँ दोस्तों कि जहाँ तक है पहले ये आप फोकस करिए कि मार्केट तो गिर रहा है, वो अपना नेगेटिव हो रहा है, वो अपने हिसाब से ट्रेडर इन्वेस्टर्स अपना जो स्ट्रेटेजिक सेलिंग करते हैं और फ्यूचर ऑप्शन में है तो कोई अपना पुट बाय किए हुए हैं तो वो अपना जो भी है जिस हिसाब से कॉल है फ्यूचर ऑप्शन में सब काम हो ही रहा है ये स्टॉक मार्केट के अंतर्गत। मेन एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चारों तरफ से जब देखते हैं नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट गिर रहा है, अगला क्या होगा और क्या होगा, तो एक अंदर से ना डर शुरू हो जाता है और वो डर हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें जैसे आगे प्रगतिशील कदम उठाना है उसे रोकता है। दोस्तों, आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आपको अपने आप को ये देखना है कि भाई जो मार्केट गिरा, नेगेटिव हुआ, हमारा पोर्टफोलियो 10% डाउन दिख रहा है, पहले कुछ परसेंटेज ऊपर था, अभी 10-15% डाउन हो गया है, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल हताश नहीं होना है हमें। एज एन इन्वेस्टर यही बात और भावना, यही सोच और बात मैंने फेस किया था दोस्तों 2008 और 2009 का जो सीनेरियो था वो मार्केट में सबसे हाइपर, मैं कह सकता हूँ एकदम बेरिश ट्रेंड में मार्केट था उस समय, और मुझे जहाँ तक याद है दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो मोर देन 80% डाउन हो गया था। 80% डाउन, उससे भी ज़्यादा 2008 के एंड से, और 2009 के हालात ऐसे थे, फिर भी हमने फोकस एक ही चीज़ किया कि जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक है उसको हमें जमा करना है, जमा करते जाना है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है, जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक है बस उस पर फोकस करना है और उसी पे हमें जमा करते जाना है। मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, हमारे पास जो बजट में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हम थोड़ा थोड़ा शेयर्स या तो एवरेजिंग करेंगे जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, नीचे पे एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, पांच शेयर, दस शेयर, जो हमारे बजट के अंतर्गत आता है उसमें हम खरीदते जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये टारगेट करके हमें चलना चाहिए दोस्तों। ये ना देखिए कि हमारा ऑलरेडी इतना नेगेटिव हो गया, अब हम अगला क्या करें, ये नहीं हमें सोचना है। हमें ये सोचना है कि अब हमारे सामने शेयर सस्ता दिख रहे हैं, जो हम कभी सोचते थे ये सस्ते भाव में आएगा तो हम जरूर ले लेंगे, या नीचे के रूप में होगा तो प्लस करेंगे, ऐसा हमारी जो भावना थी, लेकिन वो महंगे होते थे, अब थोड़ा नीचे आया है, कुछ पॉइंट पर और नीचे पहुँच रहा है, तो अब आपको शुरू कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना अपने बजट के अंतर्गत दोस्तों। अब आप ये भी प्रश्न करेंगे दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उदाहरण के तौर पे सर दोस्तों आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो हिसाब से आप समझ सकें, जैसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी हो गया, कॉलगेट कंपनी हो गया, ब्रिटानिया कंपनी हो गए, ये सब शेयर्स के भाव ज़्यादा तो गिरते नहीं हैं, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा जरूर नीचे आए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है थोड़ा नीचे आ गया है, उसे हम थोड़ा बहुत जमा करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें ये शेयर सस्ते भाव में जब मिल रहा है तो हमें यहाँ जमा करना चाहिए। ऐसा फोकस करने से दोस्तों आपका पूरा ध्यान जो है कहाँ केंद्रित होगा, एक पॉजिटिव लेवल पर काम करेगा आपका दिलो दिमाग, क्योंकि ऐसे में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम पहले ही अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव देख के मन ही नहीं होता, हिम्मत ही नहीं बन पाती, यहाँ देखो वहाँ देखो, न्यूज़ देखो, ये न्यूज़ चैनल देखो, वो न्यूज़ देखो, चारों तरफ नेगेटिव बातें ही हमें सुनाई देता है कि मार्केट और गिर जाएगा, और गिरेगा, और ये है वो है, इस पर हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। हमें ध्यान क्या देना है कि अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, अधिक से अधिक भाई हमने 3-4 कंपनियों में एक एक शेयर, दो दो शेयर जोड़ते जाना है, बस ये आपका फोकस होना चाहिए, यहाँ आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
इससे क्या होगा दोस्तों कि यही सब शेयर आगे चल के और बढ़ेंगे, जो आप सस्ते भाव में आज देख रहे हैं और सस्ता हो सकता है। चलो मार्केट और बेरिश हो गया, ठीक है, हमने 20,000 का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था, हमने पहले 5,000 इन्वेस्ट किया, और गिरेगा तो और 5,000 इन्वेस्ट करेंगे, और मार्केट तब देखेंगे कहाँ तक अपने बजट के अंदर, जहाँ तक हम कंफर्टेबल है वहाँ तक हम इन्वेस्ट जरूर करेंगे। हमने जैसे अभी उदाहरण दिया दोस्तों कि 20,000 मुझे इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो देख रहा हूँ भाई लार्सन एंड टुब्रो में देखा था, हाँ भाई 3,100 200 भी गया था, अब 2,900 या उसके नीचे आ गया है। हाँ ये कॉलगेट अभी 2,100 के ऊपर था, अभी 2,000 के आसपास है, तो चलो हम खरीद लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपने पॉइंट पे ये देखना है भाई, पिछले से 100 रुपया नीचे है, 50 रुपया नीचे है, तो क्यों ना ये शेयर को खरीदा जाए, क्यों ना हम इसको जमा करें। जमा क्यों कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है ना, हम जमा कर रहे हैं, हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन का उद्देश्य है, हमारा डिविडेंड का उद्देश्य है, कि हमारे पास पहले 40 शेयर था, अब पाँच पाँच करके, दो दो करके, तीन तीन करके 50 शेयर्स पूरा कर लें, पहले हमारे पास 10 शेयर था, अब धीरे धीरे 15 से 20 तक चले जाएं अपने बजट के अंदर। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका दिलो दिमाग काम करना चाहिए, तब जाकर आप एक प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं, और एक सफल इन्वेस्टर में यही कार्य विषय होता है दोस्तों। एक सफल इन्वेस्टर ऐसे मार्केट में एक ही काम करते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, ये शेयर इतना कम हुआ है, अब हमें जोड़ना है इसे, बस जोड़ते जाना है, नीचे के नीचे भाव में उतर आ रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है, पहले से हमें 25 रुपया नीचे मिल रहा है, पहले से हमें 100 रुपया नीचे मिल रहा है, या 20 रुपया जो भी भाव नीचे मिल रहा है, हमें सस्ता तो जरूर मिल रहा है इस नेगेटिव मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में, तो हमारा कदम और ध्यान इसमें होना चाहिए दोस्तों। पोर्टफोलियो पे आप ध्यान देकर सोचेंगे, अरे मेरे 10 कंपनियों का हाल खराब है, 20 कंपनियां इतना नेगेटिव चले गए, 25 30 और नेगेटिव, ये सब नहीं सोचना है दोस्तों। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं और इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपको अपने दिलो दिमाग में एक ही बात को पॉइंट रखना है कि हमें अपने जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक है उसे अपने बजट के अनुसार और जोड़ते जाना है, प्लस करते जाना है, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना है, और बढ़ाने का सबसे बेस्ट टाइम यही है जो अभी चल रहा है दोस्तों। मैं तो ऐसे ही कहूँगा आपसे कि गिरते हुए मार्केट में ही हमें जोड़ते जाना है, थोड़ा 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 हम जोड़ते जाएंगे बस, बट अपने, हाँ खास करके अपने बजट के अंदर, बस वो अपना पॉइंट पे ध्यान रखें। और ऐसा कदम आप जब उठाते हैं तो कुछ दिन के बाद, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, आज भी दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी नेगेटिव मार्केट चल रहे हैं या बेरिश मार्केट है, ये भी टेम्पररी है, बुलिश मार्केट होता है वो भी टेम्पररी है, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। तो जब परमानेंट नहीं है, जब हम में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और हम जानते हैं कि भाई इस फील्ड में अगर हम आए हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना तो हम जागरूक जरूर हैं, ये तो जानते हैं कि ये रिस्की है, थोड़ा मार्केट में रिस्क होता रहता है, तो उस रिस्क को आपको तो रिस्क लवर बनना चाहिए दोस्तों। अगर आप रिस्क लवर हैं तभी तो आप स्टॉक मार्केट में है ना। हाँ रिस्क लवर हैं, और प्लस आप एक समय के बाद आप मार्केट में देखते हैं कि भाई ये अच्छे लेवल पे शेयर्स मिल रहा है, हम खरीदेंगे, हम जोड़ेंगे, और बात क्या है। तो हमें घबराहट तो रंज मात्र भी नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं, उल्टा हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, एकदम सक्रिय हो जाना चाहिए। चलिए हम स्पेशल ड्यूटी पे अब आ गए हैं, अब हमारा स्पेशल ड्यूटी यही है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। यहां पर इस तरह से आपको चलना चाहिए दोस्तों, हाँ तब जाकर आप सफल होते हैं और होंगे, इस तरह से अगर आपका कदम होता है तो। अब ऐसे में हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, देखते हैं अरे ये हाल खराब है, पहले से शेयर इतना नीचे हो गया, 15% डाउन, 20% डाउन, कोई 30% डाउन, ये सब देखना नहीं है दोस्तों। ये तो हम जानते हैं ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस मार्केट में दोनों बातें होती है, आज जो 20% 10% डाउन है, वो कल को आप उसको आगे चल के 12-15% ऊपर भी देखेंगे। तो पहला नजरिया आपका क्या होना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट आया है, शेयर्स प्राइस नीचे आए हैं, हमारे पास क्वालिटी स्टॉक है, अच्छी कंपनियों का स्टॉक है, कंपनियां तो अपने काम में लगे हैं, उनका बिजनेस बखूबी चल रहा है, ये तो मार्केट है जहां पे ट्रेडिंग जोन में,
और स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन व्यवहार में बाकी सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया है तो मार्केट में शेयर्स का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण मार्केट के प्राइस गिर रहे हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ अब ये शेयर काफ़ी अच्छे लेवल पे नीचे आ गया है, उसके 52 वीक्स हाई से 10% डाउन है, 15% डाउन है, 20% डाउन है, तो मुझे यहाँ कॉन्फिडेंटली शेयर्स को खरीदना ही खरीदना चाहिए। और नज़रिया दोस्तों शॉर्ट टर्म कम रखकर लॉन्ग टर्म का ज़्यादा रखिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में लोगों ने पैसा वहीं बनाया है जहाँ पर लोगों का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप लॉस भी देखेंगे अभी, तो बस आपको पेशेंस रखना चाहिए कि भाई चलो महीना भर देखेंगे कैसे चल रहा है, अभी तो मार्केट नेगेटिव है, 1 महीना नहीं हम 2 महीना होल्ड करेंगे शेयर्स को, क्या होगा देखा जाएगा। क्योंकि जिस जिस हिसाब से मार्केट नेगेटिव हुआ है, प्राइस नीचे आया है, उसी रेशियो में मार्केट ऊपर भी होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। हाँ जैसे आपने कल देखा सेंसेक्स 900 पॉइंट डाउन, नो प्रॉब्लम, क्या है सेलिंग प्रेशर है, आज भी डाउन होगा या क्या जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपने शेयर्स को जो हमारे पास क्वालिटी स्टॉक है उसकी संख्या को हम बढ़ाएंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमने जो इन्वेस्ट किया था उसके रकम को अपने बजट के अंतर्गत हम धीरे धीरे 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर वो अपने हिसाब से खरीदते जाएंगे, और ध्यान केंद्रित इसी बात पर रखेंगे कि हमें वेल्थ बनाना है, और वेल्थ कब बनेगा कैसे बनेगा वो समय के अनुसार, समय अभी नेगेटिव है मार्केट डाउन है, आपको शेयर सस्ता मिल रहा है सबसे अच्छी बात, शेयर सस्ता मिल रहा है आप जोड़िए। हाँ इस जोड़ने में आप घबरा रहे हैं कि पता नहीं और गिरे, अरे आज गिरा है और गिरे क्या होगा, हम पहले हम 5 शेयर लेने का सोच रहे हैं, कम से कम 2 तो आज लें, फिर और नीचे गिरेगा तो फिर हम एक एक दो दो और जोड़ लेंगे। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि ज्ञान वार्तालाप में आप क्या सीख रहे हैं क्या समझ रहे हैं दोस्तों, कि अगर मेरा बजट कोई पर्टिकुलर कंपनी का 5 शेयर्स का है तो मैं एक ही काम करूंगा कि मार्केट आज इतना गिरावट रूप दिया है तो मैं कहाँ तक उसको ले सकता हूँ, पहले आज 2 शेयर तो लूँ, चलो ठीक है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा मेरे पास 20 हज़ार का बजट है 25 हज़ार का बजट है, तो चलो ठीक है ना आज मैं 5 हज़ार से स्टार्ट करता हूँ, 2 शेयर लिया या जो प्राइस शेयर्स का जैसा जो है ठीक है हमने जोड़ लिया, फिर बाद में हम देखेंगे और कम कुछ भाव होगा तो चलो ठीक है हम देखते हैं किस तरह से कौन सा शेयर लेना है। तो हमें उद्देश्य हमारा एक ही होना चाहिए कि शेयर्स को हमें अच्छी क्वालिटी जो स्टॉक है या ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर होता क्या है शेयर्स को अत्यधिक पैमाने में लिया खरीदा जाता है, वो थोड़ा हाई प्राइस पे होता है या ओवर प्राइस जोन में लोग खरीद लेते हैं, और ये जो सबसे बेस्ट और गोल्डन टाइम खरीदने का होता है वहां हम पीछे हो जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ गया, ये दबाव क्या है डर का कि और कहीं गिर जाए और कुछ नेगेटिव हो जाए, तो पहले से हमारा पैसा माइनस दिख रहा है, पहले से काफ़ी ऐसा दिख रहा है काफ़ी डैमेज है और डैमेज क्यों बढ़ाऊं, इससे अच्छा हम शांत रहें। नहीं दोस्तों ऐसे में एक ही आपको ध्यान देना है कि भाई जो शेयर्स पहले हम महंगे भाव में देख रहे थे आज वो हमें सस्ते भाव में दिख रहा है, तो हमें शांत मन से ध्यान से केंद्रित होकर जो हमारा लक्ष्य है नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने का, उसे धीरे धीरे अपने बजट के अंतर्गत 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 20 शेयर 25 शेयर या जैसा आपका बजट है उसके अनुसार आप नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाइए, ये सबसे बेस्ट वे है, बेस्ट पॉलिसी है और आपका एकदम सक्सेसफुल स्टेप है ऐसे मार्केट में। इसमें ये मत देखिए कि मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन है, जैसे दोस्तों मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था कि 2008 और 9 में मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट मोर देन 80%, 80% आप इमेजिन करिए 80% काफ़ी हाई होता है दोस्तों, मेरा जो पोर्टफोलियो जो भी था दोस्तों वो 80% से ज़्यादा माइनस में चला गया था, फिर भी मैंने क्या फोकस किया कि नहीं ये ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब मुझे देखना है कि अच्छे स्टॉक जो हैं और क्वालिटी स्टॉक है वो मुझे सस्ते में मिल रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा 2,000 5,000 1,000 3,000 10,000 जो भी बनता हो उसे हम खरीदते जाएंगे। बस ये एटीट्यूड अगर आपका है
तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो यही एटीट्यूड आपको सफल रूप और आप सफलता जरूर इसमें टच करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि आपका कदम किस में हो रहा है, आप अच्छे भाव में शेयर्स को खरीद रहे हैं। और यही फिर समय आएगा जब मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगा, शेयर्स काफ़ी ऊपर हो जाएंगे, सेंसेक्स और निफ्टी आप देखेंगे, फिर से सेंसेक्स आप 900,000 पॉइंट ऊपर देखेंगे दोस्तों। यही जैसे हमने कल देखा सेंसेक्स 900 पॉइंट डाउन, ऐसा समय अब आएगा भविष्य में दोस्तों। मेरे वाक्य को आप ध्यान में लेंगे और ये कहेंगे कि हाँ जो मैंने वाक्य कहा वो सत्य है, कि इसी तरह से मार्केट जैसे 600 पॉइंट 500 पॉइंट 900 पॉइंट गिरा है, उसी रेशो में उसी हिसाब से उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स फिर से बढ़ जाएंगे दोस्तों। इससे ये सब जो इतने भी हैं सब टेम्पररी है, इसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शेयर्स को जोड़ना है, शेयर्स को खरीदना है अपने बजट के अंतर्गत। हाँ दोस्तों, इस तरह से यही कार्य यही विषय अगर आप कायम रखते हैं तो आप एक सदैव सफल इन्वेस्टर रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे, मैं मानता हूँ मेरा जो कहने का उद्देश्य है, जो मेरा वाक्य का ये बात है, आपने उसको सरल रूप में समझ लिया होगा। मैंने अपने इस ज्ञान वार्तालाप में कुछ कंपनियों का उदाहरण भी लिया, कुछ कंपनियों का उदाहरण इसलिए भी लिया दोस्तों कि आपका ध्यान वहाँ पर केंद्रित करूँ, या अच्छे स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक हैं, नज़रिया लॉन्ग टर्म वाले रखें, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह से सोचें या उस तरह से कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें वो सफल होंगे। तो इसी तरह से आपको चलना है, करना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, कुछ समय तक रहेंगे। एक मार्केट क्या है दोस्तों, कभी भी टर्निंग पॉइंट, कभी भी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट ले लेगा। अगर आप ये सोचते रह गए कि चलो कल करूँगा या मार्केट थोड़ा और गिरेगा तब ले लूँगा, तो जब तक ऐसा आप सोचते हैं दूसरे तीसरे दिन मार्केट अचानक ज़ोरदार ऊपर चला जाता है। ऐसे चक्कर में क्या होता है, आप खरीद ही नहीं पाते हैं। जब समय सही था तो आपने बिल्कुल नहीं लिया। इसके लिए मैंने अभी क्या कहा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत दोस्तों कि अगर आपको 5 शेयर खरीदना है तो 2 तो जरूर ले लीजिए, फिर और गिरेगा तो फिर 1 और 2, फिर और जोड़ेंगे 1, फिर और 1, ऐसा इस तरह से आपको ये कार्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सदैव एक सफल इन्वेस्टर रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों। बस दोस्तों मैं क्या कहूँ, बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं वास्तविक रूप से आपको कहना चाहता था इस वाक्य के अंतर्गत। और बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर मार्केट में चलना चाहिए, ये सब तो होते ही रहेंगे और चलते ही रहेंगे। बस और क्या कहूँ, और चलते चलते एक अच्छी बात कहूँगा दोस्तों, क्योंकि कल की तारीख में दोस्तों जैसे आपको मैंने कहा कि सेंसेक्स 900 पॉइंट डाउन हुआ, हाँ ऐसे में दोस्तों हमारे एक दो प्लेटिनम स्टॉक 2% 3% उससे भी ज़्यादा बढ़ गए। उसी तरह से हमारा मल्टीबैगर स्टॉक भी 1.5 to 2.5% प्लस हुए। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, ऐसे में जब हमारा मल्टीबैगर स्टॉक प्लस होता है या प्लेटिनम स्टॉक प्लस होता है तो हमारे इन्वेस्टर्स मेंबर को वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर आता है कि भाई चलो ये शेयर्स का भाव तो बढ़ा, हमारा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही जा रहा है। तो मैं एक ही कहूँगा दोस्तों, इस समय बेस्ट टाइम यही है कि आप प्लान करें कि मल्टीबैगर स्टॉक, आज हमारे पास आज भी 5 प्लेटिनम स्टॉक हैं, 5 मल्टीबैगर स्टॉक है, उसी के साथ साथ हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ हमने सिर्फ केवल ओनली पोर्टफोलियो सर्विस भी रखा है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, और हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी सर्विसेज ऑन हैं, और टचवुड ये अपने अपने कार्य में पॉजिटिव पॉइंट पे चल ही रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।